हे एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्मार्ट वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट सीरीज कंटिन्यू है और अभी तक इस सीरीज के अंदर काफी सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। तो अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर लें, डन पे क्लिक करके अपने पास सेव कर लें ताकि जब भी प्लेलिस्ट एक्सेस करनी हो सिंपल यहाँ पर क्लिक करें और आपके सामने जो है वो प्लेलिस्ट आ जाए। तो अभी तक नहीं किया ये काम तो जल्दी जल्दी कर लें क्योंकि सारे वीडियोस इसी के अंदर आने वाले हैं। तो कल के दिन हमने अपना फर्स्ट चैलेंज देखा था। चैलेंज क्या था अगर आपने देखना है तो वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। तो अभी तक हमारे इस कोर्स के अंदर 10 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आपको पता है कि हर 3 चैप्टर्स के बाद हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखते हैं जो हर वीडियो के लास्ट में एक्सरसाइज देते हैं। और मैंने बताया था कि जब हमारे 10 चैप्टर्स कवर हो जाया करेंगे तो हम अपना चैलेंज देखा करेंगे। तो इसी तरह हमारे 10 चैप्टर्स कवर हुए, हमने अपना फर्स्ट चैलेंज देखा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर 11 के बारे में, देखते हैं किस चीज से रिलेटेड है और उसको हम कैसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी बुक के ऊपर और स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहां पर मैं आ चुका हूं अपनी जावास्क्रिप्ट बुक के ऊपर और यहां पर हमारे पास चैप्टर 11 जो है वो रिलेटेड है कंपैरिजन ऑपरेटर से। तो पहले समझ लेते हैं कि ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते क्या है। कंपैरिजन का मतलब होता है किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज से कंपेयर करना। अब कंपेयर से निकले कंपैरिजन, किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज से कंपेयर करने को हम बोलते हैं कंपैरिजन। तो इसी तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर भी अगर हमने किसी एक स्पेसिफिक चीज को किसी दूसरी स्पेसिफिक चीज से कंपेयर करना हो तो उसके लिए हमारे पास आते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने टाइप के जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। हमारे पास होता है डबल इक्वल टू होता है, डबल इक्वल टू होता है, ट्रिपल इक्वल टू होता है, हमारे पास डबल इक्वल टू भी होता है। सब कुछ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि क्या काम करते हैं। ट्रिपल इक्वल टू भी होता है, सही है, और हमारे पास नॉट इक्वल टू भी होता है और नॉट डबल इक्वल टू भी होता है। उसके बाद ग्रेटर देन भी होता है और लेस देन भी होता है। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता है और लेस देन इक्वल टू भी होता है। ये सारे हमारे पास कंपेरिजन ऑपरेटर्स है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो यहां पर मैं क्या करता हूँ, वीएस कोड को जो है वो ओपन कर लेता हूँ। यहां से वीएस कोड को ओपन कर लेता हूँ, वीएस कोड को ओपन कर लिया। तो अब मैं इसको अपने जावास्क्रिप्ट कोर्स वाले फोल्डर में ऑलरेडी ये जो है वो खुला हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, ये पुराना कोड इसको रिमूव कर देता हूँ जल्दी से। फाइल को किया सेव। अब यहां पर मैं आपके लिए ब्राइटनेस थोड़ी सी ओपन कर देता हूँ ताकि आपको सही नजर आए। अब यहां पर जो है सबसे पहले हम लिखते देखते हैं डबल इक्वल टू वाला, सही है। अब यहां पर बना लेता हूं एक वेरिएबल जिसका नाम है नेम। नेम में जो है एक नेम रखा हुआ है जिसका नाम है मार्क, सही है। ये एग्जांपल है, बुक के अंदर ही मैंने आपको दिखाया नेम मार्क रखा है इन्होंने, तो मैं भी मार्क ही रख रहा हूँ सिर्फ एग्जाम्पल दिखाने के लिए। आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं यूजर से नेम लूंगा प्रॉम्प्ट के थ्रू, तो लिखूंगा इंटर नेम और यहां पर इस इक्वल टू प्रॉम्प्ट और यहां पर यूजर नेम, सॉरी इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, सही है, इंटर योर नेम लिख दिया मैंने। तो अब क्या होगा, अब मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ की। प्रीवियस वीडियो में हमने कंडीशंस के बारे में पढ़ा था, प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने चैलेंज देखा था, उससे प्रीवियस वीडियो में हमने इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। तो वही इधर लगने वाली है। कैसे आप देख रहे हैं कि कैसे जो है हमारे पास चीजें यूज हो रही हैं आस्ता आस्ता, सब चीजें तो हम पढ़ चुके हैं। अब लिखूंगा इफ, अगर अगर जो ये नेम है अगर वो बराबर हो जाता है, इक्वल टू, इक्वल टू ये हमारा फर्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर है, सही है। अगर ये बराबर हो जाता है, यूजर ने जो नेम इंटर किया वो इसके अंदर ही आएगा ना, इंटर नेम के अंदर, अगर वो बराबर हो जाता है इसके, तो यहां पर आप टाइप कर दो, यहां पर अलर्ट कर दो योर नेम इज
योर नेम इज सेम, योर नेम इज सेम. एल्स, एल्स पार्ट हमने अभी पढ़ा नहीं इफ कंडीशन में, तो अभी के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ ताकि आपको जो है कोई कंफ्यूजन ना हो. तो यहां से मैं क्या करूंगा, पाथ कॉपी करूंगा जल्दी से, कॉपी पाथ, और यहां से जो है गूगल क्रोम पर आकर पेस्ट कर दूंगा. यहां पेस्ट किया, इंटर योर नेम, अगर मैं मार्क लिखूंगा, मार्क, और यहां पर योर नेम इज सेम. अगर मैं कुछ और टाइप कर देता हूं, यहां पर कुछ अलग टाइप कर देता हूं, तो वो कुछ भी नहीं दिखाएगा. इसको हमें अगर दिखाना हो योर नेम इज नॉट सेम, तो उसके लिए एक तरीका है, लेकिन अभी चीज वो हमने पढ़ी नहीं है, आगे आने वाली चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा वो कैसे काम करते. तो अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर. अभी हमने देख लिया डबल इक्वल टू. अब मैं क्या करता हूँ, एक ना नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पर ना नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पर, बल्कि इसको अनकमेंट करता हूँ, कमेंट करता हूँ, और नीचे जो है एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ. नम इज इक्वल टू 5, वेरिएबल इंटर नम इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और यहां पर लूंगा इंटर, डबल कोट्स लगाएं आप हमेशा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये अच्छी प्रैक्टिस है. इंटर योर नंबर, उसके बाद यहां पर इफ की कंडीशन सेम काम करूंगा, अगर नंबर, अब मैं ट्रिपल इक्वल टू दिखा रहा हूं आपको, नम अगर इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 5 हो जाता है, तो यहां पर अलर्ट कर दो योर नंबर, योर नंबर इज सेम. तो अभी जो है हमारे पास ये लिखा आएगा अलर्ट के अंदर, योर नंबर इज सेम, तो अगर 5 लिखूंगा तो 5, योर नंबर इज सेम. अगर मैं 6 लिख दूंगा इधर, तो मेरे पास नहीं आएगा वो कुछ भी. तो ये क्या हुआ, यहां पर तो फिर भी दिखा रहे हैं, एक मिनट में देखूं, यहां पर अगर मैं 6 लिखूं और योर नंबर इज सेम, तो ये तो अभी भी दिखा रहे हैं. अगर मैं यहां पर इस तरह से लिखूं और आपको दिखाऊं, अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहां पर मैंने डायरेक्टली 5 लिख दिया, मुझे 5 नहीं लिखना था, मुझे यहाँ पर लिखना था यहाँ पर इंटर नंबर, इंटर नंबर अगर बराबर हो जाता है इसके, और यहाँ पर आएगा प्लस, क्योंकि नंबर है, मैंने आपको बताया था ये हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है प्रॉम्प्ट. तो अब मैं लिखूंगा 5, तो योर नंबर इज सेम, वरना अगर मैं 6 लिखूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पर, सही है, आई थिंक सबको क्लियर है ये बात. उसके बाद ट्रिपल इक्वल टू में क्या फर्क है और डबल इक्वल टू में क्या फर्क है. डबल इक्वल टू क्या करता है कि अभी सिर्फ उसकी टाइप, अब मैं यहां पर ना इक्वल टू भी लिख देता हूं, सही है, तो अब ये क्या करेगा, इंटर नंबर की जो टाइप है वो भी चेक करेगा. अब टाइप क्या मतलब, ये स्ट्रिंग है, नंबर है, क्या है. तो यहां पर अगर मैं यहां पर लिख दूंगा 5, तो ये रिटर्न करेगा योर नंबर इज सेम, अभी तो सही है, क्योंकि इसकी टाइप भी नंबर है, क्योंकि हमने यहां पर प्लस लगाया हुआ है, और इसकी टाइप भी नंबर है. अगर मैं यहां से प्लस को हटा दूंगा, तो इसकी टाइप हो गई स्ट्रिंग और इसकी टाइप हो गई नंबर. अब ये चेक करेगा क्या इसकी टाइप भी सेम होनी चाहिए. हाँ, अगर इसकी टाइप भी सेम है तभी अलर्ट रिटर्न करो, वरना अलर्ट रिटर्न नहीं करना. तो यहां पर अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं लिखूंगा 5, तो यहां पर मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा. आई थिंक ये सबको क्लियर होगा, ये टाइप भी चेक करता है ट्रिपल इक्वल टू. अगर आप डबल इक्वल टू लगाएंगे तो आपका काम इजिली हो जाएगा, क्योंकि अब वो टाइप चेक नहीं करेगा, वो सिंपल ये चेक करेगा कि हाँ ये जो चीज है वो उसके बराबर है या नहीं. 5 लिखूंगा तो योर नंबर इज सेम, तो यहाँ पर ट्रिपल ही लिखवा देता हूँ. आपको हमेशा क्या करना है, ट्रिपल इक्वल टू का यूज करना है, क्योंकि ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है. और आपको हमेशा डबल कोट्स का यूज करना है, ना कि सिंगल कोट्स, सही है. ये जो डबल कोट्स है ना, आपको सिंपल ये डबल कोट्स का यूज करना है हमेशा. अब यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. अब आता है, जैसे हमारे पास इक्वल टू है उसी तरह आता है नॉट इक्वल टू, इसी को भी अनकमेंट कर लेता हूं. यहां से अगर ये नॉट इक्वल टू हो जाता है, अगर ये बराबर नहीं है इसके, तभी ये रिटर्न करना, वरना ये रिटर्न नहीं करना. अब तो 5 तो 5 के बराबर है, तो ये रिटर्न नहीं करेगा. हमने बोला अगर वो बराबर नहीं है, अब मैं कुछ भी लिखूंगा 4, 6, 3, तो ये रिटर्न करेगा,
क्योंकि वो 5 जो है वो 4 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई और उसने हमें रिटर्न कर दिया योर नंबर इज सेम। और इसी तरह नॉट डबल इक्वल टू भी होता है। अब ये क्या करेगा, इसकी टाइप भी चेक करेगा। तो अगर यहाँ पर 5 लिख दूं तो योर नंबर इज सेम, क्योंकि अब ये जो है वो टाइप भी चेक कर रहा है, क्योंकि नंबर जो है 5 के बराबर है, तो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, अलर्ट जो है योर नंबर इज सेम, नंबर 5 के बराबर है, और हमने बोला है अगर बराबर नहीं है तो ये क्या कर रहा है, अब जो है वो टाइप भी चेक कर रहा है। तो इस तरह ये काम कर रहा है, नॉट इक्वल टू और नॉट डबल इक्वल टू आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं ग्रेटर देन की। क्या लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू अगर बराबर है, या सॉरी अगर ग्रेटर है किससे, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू से, तो क्या रिटर्न कर दो, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वैल्यू हमें जो चाहिए वो मिल जाएगी। इसी तरह लेस देन, फिर लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, सब देख लेते हैं। यहां पर मैं क्या करता हूं, अगर यहां पर कंडीशन लगा लेता हूं, अगर नम जो है, नम जो है वो अगर ग्रेटर है, बड़ा है किससे, इंटर नम वाली वैल्यू से, जो हमने नंबर इंटर किया उससे बड़ा है, तो ये रिटर्न कर दो वरना रिटर्न नहीं करना। तो अब मैं 4 लिखता हूँ, 5 जो है वो 4 से बड़ा है ना, तो ये रिटर्न कर देगा। अगर मैं इधर 6 लिखूंगा तो भाई वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 6 जो है वो बड़ा है 5 से, 5 बड़ा नहीं है 6 से, तो यहाँ पर 6 लिखूंगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह आता है लेस देन। अब जो नम है वो छोटा होना चाहिए किससे, इंटर नम से, तो यहां पर अगर मैं लिखूंगा 4, सॉरी नम जो है वो बड़ा होना चाहिए इंटर नम से, तो यहां पर अगर मैं लिखूंगा 6, तो यहां पर योर नंबर इज सेम, और यहां पर अगर मैं लिखूंगा 4, तो यहां पर कुछ भी नहीं आएगा। इसी तरह आता है ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। अगर लेस देन इक्वल टू, अगर नम छोटा तो होना ही चाहिए, साथ में उसके बराबर भी होना चाहिए, अगर छोटा ना हुआ पर बराबर हुआ तो हमें ये रिटर्न कर देगा, एल्स में नहीं करेगा। यहाँ पर मैं 5 लिखता हूँ, 5 लिखूंगा तो ये रिटर्न करेगा, क्योंकि बराबर तो है छोटा नहीं है। तो अगर मैं इधर लिखूंगा 4, तो ये तो छोटा है तो ये हमें रिटर्न नहीं करेगा। इसी तरह आता है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या होता है, अगर मैं इधर लिखूंगा 4 तो योर नंबर इज सेम, अगर मैं इधर लिखूंगा 6 तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो बड़ा हो रहा है अब नंबर। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि कैसे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर काम करते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारे आपको करके दिखाए, अब इनको रियल लाइफ में कैसे यूज करना है वो आप एक्सरसाइज के थ्रू करेंगे, जो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ही मेहनत से तैयार की गई है, तो उनके थ्रू जो है वो आप करेंगे। मैं एक्सरसाइज आपको दिखा देता हूँ, एक्सरसाइज में क्या क्या है। सबसे पहले गेस गेम, एक गेम बनानी है, स्टोर अ सीक्रेट नंबर इन अ वेरिएबल, 1 से 10 के दरमियान में एक आप वेरिएबल में नंबर स्टोर कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट यूजर टू गेस द सीक्रेट नंबर, प्रॉम्प्ट में आपने यूजर से पूछना है, जो एक ना अपने पास से सीक्रेट नंबर जो है वो एंटर करो। इफ यूजर गेस द सेम नंबर, अगर यूजर ने गेस कर लिया सेम नंबर जो आपने वेरिएबल में स्टोर किया और जो आपने एंटर किया, अगर वो दोनों सेम हो गए, शो बिंगो करेक्ट आंसर, आपने ये जो है वो शो कराना। If the guest number plus 1 is the secret number, अगर यूजर ने सेलेक्ट कर दिया वो नंबर जो आपने वेरिएबल में स्टोर किया है उससे एक ज्यादा, जैसे आपने वेरिएबल में स्टोर किया 5 और यूजर ने सेलेक्ट कर दिया 6, तो आपने क्या करना है, शो क्लोज इनअप टू सीक्रेट नंबर करेक्ट नंबर, मतलब आप बहुत क्लोज हैं करेक्ट नंबर के। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, आपने प्रॉम्प्ट के थ्रू ही पूछ रहे हैं यूजर से, कोई भी एक नंबर इंटर करो, अगर वो नंबर डिवाइड हो जाता है 3 से, अगर वो जो नंबर इंटर किया जैसे 9 3 से डिवाइड हो जाता है और 6 जो है वो डिवाइड हो जाता है, अगर वो नंबर इंटर किया 3 से डिवाइड हो जाता है, शो द मैसेज टू द यूजर इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, आपने अलर्ट में मैसेज शो कर देना है दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो जो आपने नंबर इंटर किया अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो अभी आपने खुद सोचना है कि कैसे होगा। Write a program that checks whether the given input is an even number or odd number. तो even odd number का ये चक्कर है कुछ। Write a program that checks whether, अच्छा
आपने एक प्रॉम्प्ट के थ्रू नंबर लेना है, तो यूजर नंबर इंटर करेगा और आपने वो बताना है कि जो यूजर ने नंबर इंटर किया है वो इवन है या ऑड है। अब ये आप पता चलाएंगे, कैसे हम पता चला सकते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स टेम्परेचर एज इनपुट एंड शो द मैसेज बेस्ड ऑन फॉलोइंग क्राइटेरिया। टेम्परेचर है अगर ग्रेटर देन 40, आप वेरिएबल में स्टोर करेंगे एक टेम्परेचर रैंडम, आप 50, 60 कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, 30, 20। तो टेम्परेचर अगर बड़ा है, ग्रेटर है 40 से, तो इट्स टू हॉट आउटसाइड। अगर 30 से बड़ा है तो द वेदर टुडे इज नॉर्मल। अगर 20 से बड़ा है, टुडेज वेदर इज कूल। अगर 10 से बड़ा है तो ओ माई गॉड, टुडेज वेदर इज सो कूल। सही है। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट कैलकुलेटर फॉर प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिविजन एंड परसेंट एंड मॉडुलस यूजिंग इफ स्टेटमेंट। टेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिविजन मॉडुलस। पता है ये क्या बोल रहा है? एक पहले प्रॉम्प्ट चलेगा, बोलेगा इंटर द फर्स्ट नंबर, फिर दूसरा प्रॉम्प्ट चलेगा इंटर द सेकेंड नंबर। तो सबसे पहले ये प्लस के लिए आपने करना है, फिर माइनस के लिए, फिर सबके लिए करना है एक एक करके। तो फर्स्ट नंबर जो यूजर ने इंटर किया होगा और जो सेकंड नंबर इंटर किया होगा, आपने उन दोनों को ऐड कर देना है पहले, फिर दूसरी बारे में जब प्रॉम्प्ट चलेंगे फिर आपने माइनस कर देना है, फिर इसी तरह सारे ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म करने। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि आज की जो एक्सरसाइज है वो आपको कैसे कंप्लीट करनी है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। कैसा लग रहा है कोर्स नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।